वेलकम टू श्री जी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वेज बिरयानी। जैसी बिरयानी हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, सेम वैसे ही परफेक्ट हम घर पे बना सकते हैं। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चावल भिगो के रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं। पुराने चावल लोगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो एक कप मैंने पुराने बासमती चावल लिए हैं। इस कप से माप के आप कप या कटोरी कोई भी ले सकते हो। दो बार पानी से वॉश करके फिर एक घंटे के लिए उसे भिगो के रखना है। अब कोई भी हैवी बॉटम की या नॉनस्टिक की कढ़ाई लेके उसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड करें। घी घर का या गाय का कोई भी ले सकते हैं। घी जब हल्का गर्म हो जाए तब इसमें एक हरी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 काली मिरी और 2 लौंग ऐड करेंगे। एक तेजपत्ता मैंने ऐड किया है और एक जावंत्री ऐड की है। घी जब हल्का गर्म हो उसी टाइम पे खड़े मसाले इसमें ऐड करने हैं। अब जो भी कप या कटोरी से नाप के आपने कच्चे चावल लिए हो उसी से नाप के आपको 1.5 गुना पानी लेना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि मैंने पुराने चावल लिए हैं। अगर आप नए चावल लेते हैं तो 1 कप और 1/4 कप पानी ऐड करना है। मतलब यहाँ पे हमने जो लिया है उससे कम पानी लेना है नए चावल में। तो पानी का खास ध्यान रखना है आपको क्योंकि बिरयानी का चावल हमें 80% पकाना होता है। जब पानी उबलने लगे तब चावल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो आप हटा दें। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। मैंने 1/2 टीस्पून जितना किया है। अभी पानी उबलने लगा है तो चावल का पानी निकाल के वो चावल इसमें ऐड करेंगे। पुराने चावल का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो हमेशा बिरयानी या पुलाव में पुराने चावल यूज करें। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। अब गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और इसे खुला ही हम हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो पानी के नाप का चावल पुराने ले और इस तरह से गैस की फ्लेम का ध्यान रखोगे तो चावल बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसे ज़्यादा हमें हिलाना नहीं है। जब ये 40-50% जितना पक जाए उसके बाद हम स्पैचुला से इसे हल्के हाथों से एक बार चला लेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर अब पानी का लेयर नहीं है। अब इसके ऊपर ढक्कन मैंने रख दिया है और गैस की फ्लेम स्लो कर दी है। स्लो गैस पे अब इसे पकने देना है। चेक कर लेते हैं इसे हम। तो आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट जल चुका है और चावल भी पककर रेडी हो गया है। इसे पकने में अराउंड 5 से 7 मिनट जितना ही समय लगा है। अब ये दाना कैसा होना चाहिए तो आप हाथ में इस तरह से लोगे और दबाओगे तो ये मैश नहीं होगा, लेकिन आप इस तरह से तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। मतलब ये 80% पका हुआ चावल है, ऐसा ही हमें चाहिए। इसे मैंने एक बड़ी थाली में ले लिया है और चम्मच की मदद से मैं इसे इस तरह से खुला खुला कर दूंगी ताकि इसकी जो स्टीम है वो निकल जाए और एक एक दाना अलग अलग हो जाए और जल्दी से ये ठंडा भी हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े बर्तन में निकाल के इसे आधे घंटे या 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दे। जब तक चावल ठंडा होता है हम सब्जियों का भी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्स सब्जी ली है, कॉलीफ्लावर लिया है जिसे का फुल ही हमें लेना है, कैरेट लिया है जिसे भी मैंने इस तरह से लंबा कट किया है, फ्रेंच बीन्स और आलू लिया है। और सारी सब्जियां ग्राम में अगर नापे तो 400 ग्राम जितनी है, मतलब कि 2 कप जितनी ये सब्जियां है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। सब्जियों के नाप का ही हमें अभी नमक ऐड करना है। थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला चुटकी भर और 1/2 टीस्पून जितना हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। इसी के साथ में हम दही ऐड करेंगे। तो दही ज़्यादा खट्टा भी नहीं और फीका भी नहीं, उस तरह का लेना है। तो अराउंड 3 चम्मच जितना मैंने दही इसमें ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। सब्जियों को आप इस तरह से मैरिनेशन करके बिरयानी में ऐड करोगे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो कोई भी स्टेप आप स्किप ना करें और पूरी ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो रेस्टोरेंट से भी बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनकर रेडी होगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ली है और मेथी को इस तरह से हाथ से हमें थोड़ा क्रश करके ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह से इसका मैरिनेशन हो गया है। अब इन सब्जियों को हम आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तब तक इसमें बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आ जाता है। अब मैंने एक कटोरी ली है जिसमें एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। बिरयानी स्पाइसी चाहिए तो तीखा लाल मिर्च ले। हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। इसी के साथ में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अराउंड 1 से 1.5 चम्मच जितना, और मसाला और पानी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से पानी और मसाला मिक्स करने से मसाला जब हम तड़के में डालेंगे तो वो जलेगा नहीं। तो ये मिक्स हो गया है। अब जिसमें मैंने चावल बनाए थे वही कढ़ाई मैंने यूज़ की है जिसमें हम सब्जी बना लेंगे। तो उसमें मैंने 2 चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल के साथ ही मैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। तेल और घी हमेशा मिक्स करके यूज़ करोगे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और इसमें भी थोड़े खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो बादिया, लौंग, काली मिरी और तेजपत्ता मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें खड़े मसाले स्किप कर सकते हैं क्योंकि चावल में भी हमने खड़े मसाले यूज़ किए हैं। जो मसाला हमने बनाया था पानी मिक्स करके वो मसाला इसमें ऐड करेंगे। बताया उस तरह से हमने इसमें पानी ऐड किया है तो ये मसाला तड़के में डालने पर भी ये जलेगा नहीं और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा। 1 चम्मच पीसी हुई हरी मिर्च मैंने ऐड की है। आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है। अब इसमें 2 टमाटर की ग्रेवी मैंने ऐड की है। कच्चे टमाटर को ही मैंने मिक्सी में पीस के ग्रेवी बना ली है। अब मसाला और टमाटर पक जाए तब तक इसे पकाना है। तो गैस की फ्लेम मीडियम कर दे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे जब तक कि टमाटर का कच्चापन चला जाए। आप देख सकते हैं ऑयल धीरे धीरे ऊपर आने लगा है और कच्चापन भी इसका चला गया है। तो जो सब्जियां हमने मैरिनेशन करके रखी थी वो सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ये सब्जी मैंने कितनी कितनी ली है उसका नाप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थोड़ा सा पानी मैंने मिक्सर जार में डाला था वही पानी मैंने बॉल में ऐड किया है ताकि टमाटर की ग्रेवी और बॉल में जो मैरिनेशन का मसाला हो वो पूरा इसमें आ जाए। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। और सब्जी में डालने के लिए मैंने एक गैस पे पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये मिक्स हो गया है। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और मीडियम गैस पे इसे पकने देंगे। आप चाहे तो सब्जियों को पारबॉइल करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी कच्चा ही लिया है। जो पानी गर्म करने के लिए रखा था वो पानी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। गर्म पानी ऐड करने से सब्जियों का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और वो तुरंत ही उबलने लगती है। तो हमेशा इस तरह से गर्म पानी उसमें ऐड करें। और इस तरह से बनाने के लिए हमेशा फ्रेश सब्जी यूज़ करें। फ्रेश सब्जी जल्दी से पक जाती है और टाइम भी कम लगेगा आपको इसे बनाने में। सब्जी अभी थोड़ी कच्ची है तो और मैं थोड़ा गर्म पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। आप अगर सब्जी को पारबॉइल करना चाहो तो आप हरे मटर, गोभी और आलू और गाजर को पारबॉइल कर सकते हो। फ्रेंच बीन्स को पारबॉइल करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर से इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है। सब्जी अराउंड 50% जितनी पक चुकी है। तो इस टाइम पे मैंने 1 बॉल जितना बॉईल किया हुआ हरा मटर ऐड किया है। आप फ्रेश या फ्रोजन कोई भी ले सकते हो। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और इस टाइम पे मटर ऐड करने से जो भी मसाले हैं वो भी मटर में आ जाते हैं। ढक्कन लगा के इसे पकने देना है। एक कटा हुआ कैप्सिकम मैंने ऐड किया है क्योंकि कैप्सिकम को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप देख सकते हैं तेल धीरे धीरे ऊपर आने लगा है। सब्जियाँ एक बार चला ले और इसे चेक भी कर लेंगे कि सब्जियाँ पकी है कि नहीं। तो एक चम्मच की मदद से इसे चेक करेंगे।
ये सब्जियां भी ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, आप इस तरह से तोड़ो तो वो मैश नहीं होनी चाहिए लेकिन टूट जानी चाहिए। तो सब्जियों को भी मैंने 80% जितना पकाया है, क्योंकि आगे उसकी जो प्रोसेस होती है बिरयानी में उसमें भी ये पकेगा। तो गैस बंद कर देना है। कभी भी चावल या सब्जी को ओवर कुक ना करें, नहीं तो बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हमने जो इसमें तेज पत्ता यूज़ किया था वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू ऑलरेडी सब्जी में आ गई है। तो जितने हो सके उतने खड़े मसाले आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो सब्जी को मैं साइड में रख देती हूँ। अब बिरयानी की तैयारी करेंगे लेयरिंग की। तो एक बड़ी कढ़ाई ले लेंगे, तो मैंने नॉनस्टिक की कढ़ाई ली है, आप एल्यूमिनियम की हैवी बॉटम कढ़ाई भी ले सकते हैं। और एक चम्मच देसी घी मैंने नीचे स्प्रेड कर दिया है, पूरी कढ़ाई में इसे स्प्रेड करना है। जो सब्जियां हमने बनाई वो आधी इसमें ऐड करेंगे। अभी जो मैंने नाप लिया उससे दो लेयरिंग होगा, दो सब्जी का और दो चावल का। तो एक लेयर इस तरह से सब्जी का करने के बाद चावल का लेयर करना है। आधे चावल अभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अभी मैंने बड़ी कढ़ाई ली है तो दो लेयर होंगे, अगर आप छोटा बर्तन लेते हैं तो तीन लेयर भी इतनी क्वांटिटी में से हो जाते हैं। इस तरह से इसे खुला कर देना है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर केवरा वाटर ऐड करेंगे। ये आपको किसी भी मॉल में, सुपरमार्केट में या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इसके लेयर के ऊपर हम आधा चम्मच केवरा वाटर ऐड करेंगे। आप चाहे तो केसर वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम रेस्टोरेंट में बिरयानी खाते हैं और उसमें जो खुशबू आती है वो केवरा वाटर की होती है। फ्रेश फुदीना और हरा धनिया ऐड करेंगे इसके ऊपर। फ्राइड काजू ऐड करेंगे। जो रेगुलर बिरयानी होती है, मतलब कि ऑनियन गार्लिक वाली, इसके ऊपर वो बिरस तो भी ऐड किया जाता है। ऑनियन को लंबा कट करके फिर उसे हाई फ्लेम पे फ्राई किया जाता है और वो बिरस तो इसके ऊपर लेयरिंग में यूज़ होता है। तो आप अगर ऑनियन खाते हैं तो ऑनियन का लेयर आपको इसके ऊपर करना है और उसके बाद आपको सब्जियां ऐड करनी है। बाकी की जो सब्जी थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। पूरा इसे स्प्रेड कर देना है इस तरह से। जो बाकी के चावल बचे थे वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। और अभी जो हमने मेजरमेंट लिया उससे आप 4 से 5 लोगों को सर्व कर सको, उतनी बिरयानी बनकर रेडी होगी। तो आप उस हिसाब से नाप लेके बिरयानी बनाए। इसे भी मैं सब्जी के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी इस तरह से। और जो हमने पहले प्रोसेस किया वही प्रोसेस हमें दोबारा से रिपीट करना है। सबसे पहले केवरा वाटर, उसके बाद फ्रेश फुदीना और हरा धनिया, फ्राइड काजू ऐड करेंगे। अगर आप बिरस्तो ऐड करना चाहते हैं तो बिरस्तो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ढक्कन लगा दिया है मैंने इसका और इसमें से बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब इसे स्लो गैस पे हमें 15 से 20 मिनट तक पकने देना है, ताकि जो सब्जियां और चावल 80% पके थे वो 100% पक जाएंगे और बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका मिक्स हो जाता है। आप चाहे तो बिरयानी को मिक्स भी कर सकते हैं पूरा। तो 15 से 20 मिनट के बाद अब ये बिरयानी सर्विंग के लिए रेडी है। बताया उस तरह से आप उसे कढ़ाई में पूरा भी मिक्स कर सकते हो, मैंने उसे रफली ही मिक्स किया है। मैंने इसे दही और उड़द के पापड़ के साथ सर्व किया है। तो एक बार ये बिरयानी बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।